हेलो फ्रेंड, आइए आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं जिसमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इतिहास जानने के साधन वो कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिस माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इतिहास जानने की साधन। ये आज का हमारा टॉपिक है इतिहास जानने के साधन। वो ऐसा कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इतिहास जानने के साधन से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस सब्जेक्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका जनक कौन है। तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम आपको बता दें कि इतिहास का जनक यानी इतिहास का पिता किसे माना जाता है। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। किसे? हेरोडोटस। अगर आपसे पूछा जाता है कि इतिहास का पिता किसे माना जाता है तो आप बताओगे हेरोडोटस। इसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हेरोडोटस के ग्रंथ का क्या नाम था तो आप बताओगे हिस्टोरिका। अगर ये पूछा जाए कि इस हिस्टोरिका में किसका उल्लेख मिलता है तो आप बताओगे कि भारत और फारस के संबंधों का। किसका? भारत और फारस। भारत प्लस फारस। फारस को हम एक और नाम से जानते हैं। कभी कभी फारस अगर नहीं समझ में आता आपको तो ईरान कह सकते हैं। क्या? ईरान। अगर फारस नहीं समझ आता तो आप ईरान कह सकते हैं। तो भारत और ईरान यानी फारस संबंधों की व्याख्या की गई है। अगर पूछा जाए कि हिस्टोरिका में किसका उल्लेख मिलता है तो भारत और फारस के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि इतिहास का वो कौन सा ऐसा माध्यम है, वो कौन सा ऐसा साधन है जिस साधन से हम इतिहास संबंधी जानकारी हासिल करते हैं। तो इतिहास जानने के साधन जो हमारा आज का टॉपिक है, तो इतिहास जानने के वो तीन साधन हैं। पहला है साहित्यिक साधन। साहित्यिक साक्ष्य। और दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य। और तीसरा है आपका विदेशी यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत। ये तीन माध्यम हैं जिन माध्यम से हमको इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर बात करें साहित्यिक साक्ष्य की तो साहित्यिक साक्ष्य में दो तरीके के साक्ष्य होते हैं। एक होता है आपका धार्मिक साहित्य और आपका दूसरा होता है एक धार्मिक साहित्य और दूसरा होता है आपका लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य एक आपका धार्मिक साहित्य और दूसरा है आपका लौकिक साहित्य। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य किसे कहते हैं इस पे चर्चा करते हैं। धार्मिक साहित्य किसे कहते हैं? तो अगर बात की जाए धार्मिक साहित्य की तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत
अंतर्गत आपका आ जाएगा पहला वेद आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा पुराण, तीसरा आपका आ जाएगा रामायण, चौथा आपका आ जाएगा महाभारत यानी महाकाव्य, दोनों मिलाकर रामायण महाभारत महाकाव्य, और आपका आ जाएगा स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ और आपका आ जाएगा उपनिषद। उपनिषद ये सारे आ जाएंगे आपके धार्मिक साहित्य के अंतर्गत। अब अगर बात की जाए वेद की तो वेद आते हैं चार। कौन कौन से वेद हैं? तो जो सबसे प्राचीन वेद है हमारा, पहले तो आप जान लीजिए वेदों की संख्या कितनी है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि वेदों की संख्या कितनी है, और तो आप बताओगे कि वेदों की संख्या है चार। वेदों की संख्या कितनी है? चार है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चार में पहला आपका है। अगर ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप बताओगे सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। और दूसरा आपका आ जाएगा यजुर्वेद। और तीसरा आपका है सामवेद। सामवेद। और चौथा, तो चौथा आपका हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद ये चार वेद हैं। वेदों की संख्या चार है। सबसे प्राचीन वेद अगर पूछा जाए तो आप बताओगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपको इतिहास संबंधी विशेष जानकारी प्राप्त होती है, और इतिहास में इसका बहुत विशेष महत्व है। अगर ये पूछा जाए कि ऋग्वेद कितनी सूक्तों में विभाजित है, तो आप बताओगे 1028। या अगर ये पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का उल्लेख मिलता है, तो आप बताओगे सूक्तों की संख्या कितनी है? तो सूक्तों की संख्या हो जाएगी 1028। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028। और अगर कभी कभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देता है, तो अगर ये क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ लिया कि ऋग्वेद में, तो अभी ऐसे पूछ रहा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का उल्लेख मिलता है, तब आप बताओगे 1028। और कभी कभी ऐसे ही इसको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछता है, तो ऐसे पूछता है ऋग्वेद में मूल सूक्तों की संख्या कितनी है। अगर मूल सूक्तों की बात करेगा तो आप बताओगे मूल सूक्तों की संख्या कितनी है? 1017। मूल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1017। ये हमारे मूल सूक्त हो गए। क्या हो गए? मूल सूक्त। अब इन मूल सूक्तों में, तो ये अगर ये मूल सूक्त 1017 है, तो सूक्तों की संख्या 1028 कैसे होगी? ये थोड़ा सा दिमाग से परे हो जाता है। तो देखिए मूल सूक्त तो है 1017, लेकिन इसमें जब हम 11 बाल खंडों को जोड़ देते हैं, कितने? 11 बाल खंडों को जोड़ दिया जाता है। बाल खंड जब इन 11 बाल खंडों को जोड़ दिया जाएगा, तब ओवरऑल पहुंच हो जाता है आपका 1028। अब हम 1017 में अगर 11 प्लस करते हैं 1017, और प्लस अगर हमने 11 कर दिया, अगर इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका पहुंच जाएगा 1028। तो ओवरऑल जो सूक्तों की संख्या मिलती है वो कितनी मिलती है? 1028। मूल सूक्तों की संख्या पूछेगा तो आपको बताना होगा मूल सूक्तों की संख्या 1017 है। ठीक, क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है, तो ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? तो आप बताओगे ऋग्वेद कितने मंडल में विभाजित है? 10 मंडल। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 मंडल। सूक्तों की संख्या कितनी है?
1028। सुक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों। तो अगर ये पूछा जाए आपका कि पहले मंडल की रचनाकार कौन से हैं, तो पहले मंडल के रचनाकार हो जाते हैं, पहले मंडल के रचनाकार मधुछंदा। और दूसरे मंडल के रचनाकार कौन है? तो ग्रीष्मन। दूसरे मंडल के रचनाकार कौन है? तो ग्रीष्मन। और तीसरे मंडल के रचनाकार कौन है? तो आप बताओ, तीसरे मंडल के रचनाकार विश्वामित्र है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है। तो अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो आप बताओगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। किस मंडल में? तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। क्लियर हो गया? गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां हुआ है? तो आप बताओगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और गायत्री मंत्र का जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेख मिलता है, तो इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। अच्छा, ये जो गायत्री मंत्र है, ये मंत्र किसे समर्पित है? कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो सविता नामक देवता। इसको सविता, और उसकी तुलना किसके साथ की गई? सूर्य के साथ। तो कभी अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि ये ऋग्वेद का जो गायत्री मंत्र है, ये किसे समर्पित है? तो सविता नामक देवता या सूर्य को समर्पित है। तो आगे बढ़ते हैं चौथे मंडल। इसके बाद अब चौथा मंडल देखते हैं। तीन मंडल हो गया है, अब हम चौथे मंडल पे चलते हैं। चौथे मंडल के रचनाकार कौन है? तो चौथे मंडल के रचनाकार है वामदेव। चौथे मंडल के रचनाकार कौन है? वामदेव। वामदेव। और इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें हमको कृषि संबंधी समस्त क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। किसका? कृषि संबंधी समस्त क्रियाओं का। अगर उल्लेख ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कृषि संबंधी समस्त क्रियाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप बता सकते हो कि ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी समस्त क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। और इस चौथे मंडल के रचनाकार कौन है? तो वामदेव जी हैं। अच्छा, कृषि संबंधी समस्त क्रियाएं वो कौन कौन सी है? कभी कभी ये भी दिमाग में आ जाता है कि कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं, तो जुताई, बुवाई, मढ़ाई, तो ये सब सारी चीजें जो है ये कृषि संबंधी है। तो इसका उल्लेख भी कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के चौथे मंडल में मिलता है, जिसके रचनाकार कौन है? वामदेव। अब आइए चलते हैं आगे, पांचवा मंडल। पांचवा मंडल कौन है? अत्रि। अत्रि। और छठे मंडल के कौन है? अत्रि। और छठे के कौन है? भारद्वाज। और सातवें मंडल के रचनाकार कौन है? इसमें मुख्य मुख्य बातें अपनी उसी को बताएंगे। इन दोनों मंडल में कोई ऐसी मुख्य बातें नहीं रहती, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना जानते रहें कि इसके रचनाकार कौन है, तो ये जानते रहिएगा। कभी पूछा जाए, फिलहाल ऐसे क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, लेकिन फिर भी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी बातें बताते चलते हैं। कभी ऐसा अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, सातवें मंडल के रचनाकार कौन है? तो सातवें मंडल के रचनाकार वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछा जाए कि जो दस राज युद्ध है, दस राजाओं का युद्ध, वो उसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दस राज युद्ध का उल्लेख कहां मिलता है। तो ये जानते रहिएगा, ऋग्वेद के सातवें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है। और अगर कभी ये पूछा जाए कि ये दशराज युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो भरत जन के राजा सुदास
सुदास किस जन का राजा था, तो आप आराम से बता सकते हो कि सुदास भरत जन का राजा था। आइए इसको नोट कर लेते हैं कि जो 10 राजनीति हुए किसके किसके बीच में होगा। तो भरत जन के राजा सुदास, भरत जन के राजा सुदास, सुदास ऊपर लिख दे रहे हैं, शायद मुझे सकता है नीचे ना दिखाई दे रहा होगा, तो आइए इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। ये जो 10 राजयुद्ध है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। पहला तो यही बनेगा कि 10 राजयुद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो आप बताओगे ऋग्वेद के 7वें मंडल में। किस मंडल में? 7वें मंडल में 10 राजयुद्ध का उल्लेख मिलता है। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये 10 राजयुद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो आप बताओगे कि भरत जन के राजा, भरत जन के राजा सुदास, सुदास। और दूसरी तरफ पुरु जनपद का जो राजा था, पुरु जनपद का राजा जो था, जिसका जिसने कुछ राजाओं के संघ का नेतृत्व किया था, जिसका नाम था विश्वामित्र। इन दोनों को, और ये युद्ध का कभी कभी पूछता है कि इस युद्ध का कारण क्या था, किसके लिए ये युद्ध हुआ था, तो ये जो भरत जन का राजा सुदास है, इसने क्या किया कि अपने पुरोहित विश्वामित्र, जो विश्वामित्र पहले भरत सुदास का पुरोहित था, तो भरत जन का जो राजा है सुदास, इसने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनकी जगह वशिष्ठ जी को अपना पुरोहित बना दिया, और ये ही युद्ध का एक कारण बन गया। तो कभी अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि ये जो 10 राजयुद्ध हुआ है, इस युद्ध का कारण कौन सा था, तो कारण यही था। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अब देखिए, एक तरफ भरत जन का राजा सुदास और दूसरी तरफ पुरु जन का राजा विश्वामित्र, जिसने कई राजाओं का एक संघ बनाया, और दोनों के बीच में ये भी पूछा जाता है कि ये युद्ध कहां हुआ था, किस नदी के तट पर हुआ था। तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि ये जो 10 राजयुद्ध है, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो आप बताओगे कि ये जो 10 राजयुद्ध है, ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। किस नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट। पूछा जाता है कि 10 राजयुद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था, तो ये 10 राजयुद्ध रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस युद्ध में किसकी विजय हुई, तो इस युद्ध में जो भरत जन का राजा सुदास है उसकी विजय हुई थी। अगर ये सब पूछा जाता है, ये सारे यहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो ये हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि एक बार अगर इसको समझ लेंगे तो आशा करता हूँ कि ये बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार जब ये समझ में आ जाएगा तो हम जो भी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 7वां 8वां मंडल, 8वें मंडल के रचनाकार कौन है, ये पूछा तो नहीं गया था, बट ये है कि आपको जानते रहिए, आ सकता है कभी कभी। 8वें मंडल के रचनाकार कर्ण ऋषि, कर्ण ऋषि 8वें मंडल के रचनाकार हैं। और कभी कभी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ लेता है ये कि सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो लगे हाथ इसको भी बताते चलते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, तो 2 से लेकर 7 मंडल सबसे प्राचीन है, 2 से 7 ये सबसे प्राचीन मंडल है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, तो 2 से 7 ये सबसे प्राचीन मंडल है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इस नाम से वंश मंडल कहा जाता है इसे। ठीक है, किस नाम से? वंश मंडल, ठीक है, वंश मंडल के नाम से जाना जाता है।
एकदम ये चीजें आपको क्लियर रहेंगी तो आसान रहेगा, कभी भी आपसे कुछ पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि नीचे थोड़ा सा आपको कम दिखाई देगा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है वो यहां से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि एक कौन सा ऐसा मंडल है ऋग्वेद का जो पूरी तरह से किसी एक देवता को समर्पित है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ऐसा मंडल है जो पूरी तरह से किसी एक देवता को समर्पित है। तो आपका हो जाएगा ऋग्वेद का नौवां मंडल। ऋग्वेद का नौवां मंडल पूरी तरह से किसी एक देवता को समर्पित है। क्या नाम है उसका? तो सोमदेव। क्या नाम है? सोमदेव। ऋग्वेद का नौवां मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। कई बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार आ चुका है, तो इसको आप जानते रहिएगा। ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है वो पूरी तरह से इसको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। और अब आगे बढ़ते हैं दसवें मंडल में। यहां से भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। वो ये बनता है कि जो ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें चारों वर्णों का, चारों वर्णों की बात अगर करें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का पहली बार उल्लेख कहां मिलता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चारों वर्णों की जानकारी पहली बार कहां मिलती है, तो आप आराम से बता सकते हो कि ऋग्वेद के दसवें मंडल में चारों वर्णों का पहली बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के दसवें मंडल के कभी कभी थोड़ा सा और अंदर घुस जाता है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के किस दसवें मंडल के कहां इसकी जानकारी मिलती है। तो आप बताओगे ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार चार वर्णों की जानकारी मिलती है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्र, इन चार वर्णों की पहली बार जानकारी हमें कहां मिलती है? ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार जानकारी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारा, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार चार वर्णों की जानकारी मिलती है, ठीक है, जिसमें ये बताया गया कि जो ये चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। वो ब्रह्मा जी एक विराट पुरुष, जब जो जिस विराट पुरुष की चर्चा की गई है तो उस विराट पुरुष के बारे में ये कहा जाता है कि वो विराट पुरुष ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। चूंकि मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई तो उनका कार्य हो गया लोगों को शिक्षा देना। मुख का कार्य ही होता है बोलना अर्थात शिक्षा देना, लोगों को बताना। तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति चूंकि ब्रह्मा जी के मुख से हुई तो इसलिए ब्राह्मणों का कार्य हो गया लोगों को शिक्षित करना, जागरूक करना, शिक्षा के बारे में जानकारी देना। और दूसरा वर्ण हमारा क्षत्रिय, तो क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजाओं से हुआ, तो ब्रह्मा जी की भुजाओं से होने के कारण क्षत्रिय का कार्य हो गया सभी वर्णों की रक्षा करना, मतलब सुरक्षा का दायित्व किसके कंधों पे आ गया? क्षत्रिय वर्ण। और तीसरा वर्ण जो हुआ वो हुआ वैश्य। वैश्य की जो उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मा जी के उदर से हुई, उदर अर्थात पेट से हुई, तो इनका कार्य हो गया बाकी सारे वर्ण उनके भरण पोषण का कार्य हुआ, उनका जिससे उनकी क्षुधा की पूर्ति हो सके, तो इनका ही कार्य हो गया। और चौथा वर्ण है शूद्र। शूद्र का जो शूद्र की उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मा जी के तलवे से, पैर के तलवे से, इसलिए इसका कार्य हो गया इन तीनों अपने से जो तीनों इसके ऊपर के जो वर्ण हैं तीनों वर्णों की सेवा करना। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रश्न होने के बाद इनको जो है कुछ खाने पीने के लिए चीजें दें, तो ये एक व्यवस्था बनाई गई उस समय, ऐसी व्यवस्था बनाई गई। अब आगे बढ़ते हैं,
दूसरा हमारा ये तो हो गया हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेद से ये सारी चीजें हमको जानकारी मिलती है। दूसरा हमारा हो गया कौन सा, सामवेद। दूसरा वेद हमारा हो गया सामवेद। अब लगे आप थोड़ा सा यहाँ ये जानते हैं कि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लेता है, जो हमने उसमें धार्मिक साहित्य में बताया नहीं है आपको, कि अगर ये आपसे पूछ ले कि ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जब ऋग्वेद की चर्चा करते हैं तो लगे आप इसको भी जान लें, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं, कभी कभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जान लीजिएगा ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो दो है। कौन कौन से, पहला है आपका इत्रेय ब्राह्मण और दूसरा कौन सा है, कौशिक तिथि। इत्रेय ब्राह्मण, दूसरा है कौशिक तिथि, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आप जानते रहिए ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ, पहला है इत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशिक तिथि ब्राह्मण, कौशिक तिथि ब्राह्मण। ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के, जानते रहिएगा। कभी अगर आपसे पूछता है कि ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो इन दोनों का नाम बता सकते हैं, इत्रेय और कौशिक तिथि, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ। अब दूसरा वेद हम चलते हैं, दूसरा हमारा वेद है सामवेद। सामवेद अगर आपसे तो पहले भी पूछा जा सकता है साम का अर्थ क्या होता है, अगर ऐसा आपसे पूछा जाता है साम का अर्थ होता है वान, यानी सामवेद में हमें किसका उल्लेख मिलता है, तो सामवेद में हमें वैदिक मंत्रोच्चार का उल्लेख मिलता है, गान का, संगीत का उल्लेख, इसका संगीत का। सामवेद का अर्थ होता है गान, गान अर्थात संगीत का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो सामवेद में मिलता है। कभी कभी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लेता है आपसे, सारेगामापधनिसा का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप बताओगे कि सामवेद में सारेगामापधनिसा का उल्लेख मिलता है। सामवेद के मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 1475 मंत्रों का उल्लेख मिलता है सामवेद में। कितने, 1475 मंत्रों का उल्लेख हुआ है सामवेद में। और सामवेद के जो पर्टिकुलर इसके मात्र 75 मंत्र हैं, कितने हैं 75, शेष जो मंत्र हैं वो कहां से लिए गए, तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। शेष जितने भी हैं वो 1400 आते हैं, ये सारे कहां से लिए गए हैं, ऋग्वेद से। तो इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन यहाँ और बन जाता है, वो ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप बताओगे कि सामवेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है, वो इसलिए क्योंकि इसके शेष जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये वेद ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है, तो संगीत का उल्लेख मिलता है। कितने मंत्रों का उल्लेख मिलता है, 1475 मंत्रों का, 75 हिस्से हैं, शेष सारे लिए गए ऋग्वेद से। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं पंचविश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण, और जैमिनी ब्राह्मण पंचविश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, पंचविश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण, दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामवेद के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
सामवेद के बाद आपका आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद में अगर ये पूछा जाए किसका उल्लेख मिलता है तो वैदिक कर्मकांडों का। किसका? वैदिक कर्मकांडों का उल्लेख कहां हुआ है ऐसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि वैदिक कर्मकांडों का उल्लेख कहां मिलता है, तो वैदिक कर्मकांडों का उल्लेख कहां मिलता है, तो वैदिक कर्मकांडों का उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है। ठीक है, और एक मात्र यही वेद है जो गद्य और पद दोनों में रचित है। इसमें गद्य और पद, गद्य प्लस पद में रचित है, रचित वेद। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में रचित है, तो आप बताओगे कि यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में रचित है। ठीक है, गद्य और पद्य रचित कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। और इसमें यजुर्वेद में ही आपको इसके दो पार्ट हो जाते हैं यजुर्वेद के, एक हो जाता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद। कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और उसका होता है कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस बात को आप जानते रहिएगा। अगर आपसे पूछता है कि किसे वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है, तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, पहला है आपका शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, और दूसरा है आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण दिख रहे हैं आपको समझने में आसानी होगी, ब्राह्मण। ठीक है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, अगर आपसे पूछता है तो आप बता सकते हो कि यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद में चलते हैं। चौथा हमारा वेद है अथर्ववेद, 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 अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है, तो अथर्ववेद में हमको तंत्र मंत्र जादू टोना वगैरह का उल्लेख में कहां मिलता है, अथर्ववेद में, तंत्र मंत्र जादू टोना, जादू टोना इसका उल्लेख में कहां मिलता है, तो इसका उल्लेख हमको मिलता है अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में ही सभा और समिति को, इसे सभा प्लस समिति को, सभा समिति को प्रजापति की दो पत्नियां कहा गया है, प्रजापति, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगर ये पूछा जाए
कि सभा समित को प्रजापति की दो पुत्रियां इस वेद में कहा गया है, तो अथर्ववेद में, अथर्ववेद में सभा समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में सभा समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और इसी में पहली बार अथर्ववेद में ही पहली बार चांदी का उल्लेख मिलता है। अगर ये कहा जाए कि पहली बार चांदी का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप बताओगे कि चांदी का पहली बार उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, और अथर्ववेद में ही पहली बार अंग, मगध और वैशाली जैसे जनपदों का उल्लेख हुआ है। अंग मगध और वैशाली इन महाजनपदों का पहली बार उल्लेख अगर ये पूछा जाए कि कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में ही पहली बार अंग, मगध और वैशाली जैसे महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और इसी में राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अगर कभी आपसे ये पूछे क्वेश्चन कि राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहाँ कहा गया है, तो अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं वेद के बाद पुराण। हाँ दोस्तों, अब पुराणों के बारे में हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, पुराणों की चर्चा हमारी अगली क्लास में होगी। और उसके बाद अब आप लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए ये ऑनलाइन क्लास की जो वीडियो जा रही है इसका अध्ययन करिए।